नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सी काउ यानी कि समुद्री गाय, जो 2.5 से 4 मीटर लंबी होती है और इसका वजन 1500 किलो हो सकता है। सी काउ का नाम उसके आदतों की वजह से मिला है। समुद्री गाय को अंग्रेजी में डुगोंग कहते हैं और ये हाथियों के दूर का रिश्तेदार। समुद्री गाय बाहरी बनावट में सीलों और जलसिंहों से मिलती जुलती है। हाथियों के समान उसके भी अस्थि पंजर वृहदकार होता है और ऊपरी बाहरी दांत लंबे और नीचे की ओर बढ़े हुए होते हैं। शरीर का आकार लंबा और गोलाकार होता है, जिससे उन्हें तैरने में आसानी रहती है। पूंछ वेल की पूंछ के समान चपटी होती है। इसे ऊपर नीचे फटक कर समुद्री गाय आगे बढ़ती है, न कि मछलियों के समान दाएं बाएं झटक कर। उनके हाथ पैर भी चपटे और चप्पू नुमा होते हैं। भारत में समुद्री गाय की सबसे बड़ी बस्ती मुन्नार की खाड़ी में होती है। इसके साथ ही साथ कच्छ की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह और मलबार तट के समुद्र में भी देखा गया। वैसे प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी समुद्री गाय पाई जाती है। मेडागास्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटों तक और फारस की खाड़ी में भी समुद्री गाय दिखाई देती है। समुद्री गाय का नामकरण उसकी आदतों और स्वभाव को देखते हुए सार्थक। गाय भैंसों के ही समान ये भी शाकाहारी होता है और समुद्री घास पर उसका जीवन निर्भर। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चले कि मेनाटी नामक एक अन्य समुद्री जीव और समुद्री गाय दोनों शाकाहारी होते हैं। मेनाटी समुद्री गाय का निकट संबंध। ये समुद्री घास छिछले उष्णकटिबंधीय सागरों और तटों के पास उगती है। समुद्री गाय अत्यंत सौम्य स्वभाव का जीव, सामान्यतः गहरे पानी में सतह से थोड़ा नीचे तैरती रहती, जहां उन्हें धूप की गर्मी भी लगती रहे और रह रहकर वे सांस लेने ऊपर आती जाती। शाम के वक्त वे छिछले पानी की ओर चली जाती। समुद्री गाय का जीवन 50 से 60 साल का होता है। मादा 50 साल के अपने जीवन काल में 5 या 6 बच्चों को पैदा करती। एक बार में केवल एक ही बच्चा पैदा होता है। बच्चे पानी के किनारे किसी रेतीले भाग में पैदा होते हैं। ये स्थान तट से थोड़ी ही दूरी पर होता है। माँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाकर बड़ा करती। ये जीव पिछले 5 करोड़ साल से पृथ्वी पर मौजूद है। आज की तारीख में सी काउ पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10,000 बचे हैं।